बिहार के रहने वाले एक दिहाड़ी मजदूर का बेटा अपने सपनों को उड़ान देने के लिए गुजरात की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी यानी MSU जाता है। उसका सपना होता है कि उसके आर्ट से उसका देश गौरवान्वित हो, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका आर्ट यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की सियासी भेंट चढ़ जाएगा। दरअसल ये दास्तान बिहार के रहने वाले कुंदन कुमार महतो की है। मौजूदा समय में देश के अंदर धर्म के नाम पर हो रही सियासत से कुंदन भी अछूते नहीं रहे। महतो MSU में पहले वर्ष के कला के छात्र थे। बचपन से ही कुंदन कुमार महतो अपने गांव फुलकाहा गोदान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने लगे थे। इसी जुनून और जोश से वे आगे जाकर महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी यानी कि MSU बड़ोदरा पहुंच गए। वहां भी उन्होंने अपनी कला को पहचान देने के लिए एक एग्जीबिशन लगाया था, जिसमें अखबारों में छपी कुछ रेप और हत्या की कतरनों के इस्तेमाल से हिंदू देवी देवताओं का आर्ट वर्क बनाया गया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एग्जीबिशन केवल MSU के एक इंटरनल जूरी को ही दिखाई गई थी। इसकी सार्वजनिक प्रदर्शनी की इजाज़त नहीं दी गई थी, इसलिए पब्लिक के देखने के लिए भी नहीं थी। फिर भी इंस्टॉलेशन का फोटो लेकर सर्कुलेट किया गया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर शिक्षकों को कोई आपत्ति भी थी तो उसे समझा देते, सलाह देते, सुधार देते, लेकिन नहीं, गुरु धर्म भूल कर शिक्षकों ने अपने ही शिष्य के साथ सियासत कर दी। इंस्टॉलेशन की तस्वीरें दक्षिण पंथी समूहों को भेज दी गईं। फिर 9 मई को बिहार के इस लड़के के खिलाफ गुजरात में FIR दर्ज हो गई। गुजरात पुलिस ने 4 जून को कुंदन को गिरफ्तार कर लिया। 4 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई। हालांकि इस पूरे वाकये पर कुंदन कुमार महतो माफ़ी मांग चुके हैं। उन्होंने अपने माफीनामे में कहा कि मेरा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, मैं सिर्फ आर्ट वर्क के जरिए महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठाना चाहता था। मेरे काम के कारण जो भी समस्या हुई है मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुंदन कुमार महतो कहते हैं कि मैं इतने सालों से इसके बारे में सपना देख रहा था। मैं देश को गौरवान्वित करना चाहता था, एक सफल मूर्तिकार बनना चाहता था। मैं वर्षों से MSU के बारे में सुन रहा था और मैं भी मंजीत बाबा और सुबोध गुप्ता जैसे कलाकारों के नक्शे कदम पर चलना चाहता था। यहाँ इस मामले पर कोर्ट का कमेंट भी अहम है। महतो के मामले में कोर्ट ने कहा कि विचाराधीन कलाकृति पब्लिक के लिए नहीं बनाई गई थी, ये विश्वविद्यालय बड़ोदरा के ललित कला संकाय के जूरी के लिए बनाई गई थी जो आर्ट वर्क की जांच करती है। जूरी ने आवेदक को आर्ट वर्क हटाने की सलाह दी और फिर आवेदक ने इसे हटा दिया। आवेदक ने इस आर्ट वर्क को सर्कुलेट नहीं किया है, इसलिए किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर या फिर दुर्भावना से आहत करने का इरादा आवेदक का नहीं था। कोर्ट के क्लीन चीट और कुंदन की माफ़ी के बावजूद 13 मई को महतो को नोटिस मिला कि उन्हें विश्वविद्यालय के स्थायी रूप से हटा दिया गया है। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि महतो ने 12 मई के कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया। हालांकि महतो के वकील हितेश गुप्ता मानते हैं कि महतो कमजोर और कम संसाधन संपन्न थे, इसलिए उन्हें प्रताड़ित किया गया। बहरहाल कुंदन कुमार महतो ने इंसाफ के लिए PM को चिट्ठी लिख दी है।